क्या है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्पेशली प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। कौन से हैं वो एनएफटी के कार्ड्स, चाहे आप स्ट्राइकर खेल रहे हैं या आप रेडियो खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से वो 10 कार्ड है आपको जो आईपीएल से पहले खरीद के रेडी रहना चाहिए ताकि आप उससे कमाई कर पाए, उन्नति कर पाए, सही टाइम पे उनको ट्रेड कर पाए या अपनी फैंटेसी टीम में खिला के वहां पर भी कमा पाए बहुत सारे पॉइंट्स। समझिए, सबसे पहला नाम आपके लिए आज, मैं बाय द वे 10 ऐसे प्लेयर्स देने वाला हूं जो लोगों के जहन में, दिमाग में नहीं आने वाले मगर आपको कमा के देंगे। सबसे पहला पिक बनेगा आज का टिम डेविड का। अब 5 क्राइटेरिया पे हर एक प्लेयर को यहां पर हम जज करेंगे। हमारे पहले प्लेयर डेविड पे बात करते हैं। यहां पर ये कार्ड मैंने क्यों पिक करा, व्हाई इज दिस द राइट कार्ड टू पिक। देखिए, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, क्विकली स्कोर करते हैं, चौके छक्के के पॉइंट्स देते हैं और वैल्यू फॉर मनी पिक बनेंगे बिफोर द आईपीएल। दूसरा क्राइटेरिया क्या पिक करा, क्या इनकी कैपेबिलिटी अपने फ्रेंचाइज के लिए क्या कर सकते हैं, मैच विनर बन सकते हैं भाई, फिनिशिंग रोल अदा करेंगे तो इनकी टीम इनको ड्रॉप नहीं करनी चाहिए, जो मेरे को तीसरे क्राइटेरिया पे लेके आता है। क्या ये 14 मैच पूरे खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ इन गुड फॉर्म, जो ये होने ही वाले है, ये खेलेंगे सारे 14 मैच, मतलब आपका स्टॉक बढ़ेगा, ये ड्रॉप नहीं होंगे, खेलेंगे। उसके बाद इज ये लॉन्ग टर्म परचेज, भाई देखिए टिम डेविड को जो जानता है वो ये जानता है, आए तो वो सिंगापुर से थे, गए वो बीबीएल खेलने, मगर उसके बाद भाई कोई लीग नहीं छोड़ी उन्होंने। और अगला मेरा यहां पर 5वां पॉइंट भी यही है, कहां खेलते हैं आईपीएल के अलावा, सो ये जानना जरूरी। अब तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पिक हो गए, मगर वो छोड़िए T20 लीग सुनिए, बीबीएल खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, IL T20 खेलते हैं ये दुबई में, PSL पाकिस्तान में, CPL वेस्ट इंडीज में और द 100 में भी दिखाई देंगे इंग्लैंड में। अब बच्चे की जान लोगे क्या, ये पिक आपके लिए सॉलिड पिक बनता है आज। अब चलते हैं दूसरे नाम के ऊपर, बस बता दूं भाई सब्सक्राइब का बटन, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाना ही पड़ेगा बॉस अगर आपने जीतना है। और टेलीग्राम चैनल है, यहां पर नीचे जाइए, जुड़ जाइए, अगर आप वहां जुड़ेंगे तो आप हमारे साथ जीतते रहेंगे हर रोज। तुम्हारा दूसरा और महत्वपूर्ण पिक बनता हैरी ब्रुक के बारे में, खेलने वाले हैं सनराइजर हैदराबाद के लिए इस साल। 5 क्राइटेरिया से चालू करते हैं इनकी बात अब यहां पर हम, वाई इज ही द राइट कार्ड टू पिक, क्यों पिक कर रहे हैं भाई, इंग्लैंड के लिए विस्फोटक प्लेयर है इस समय, ये टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट करते हैं, कभी कभार मिडिल ऑर्डर भी आ जाते हैं, मगर नेक्स्ट बिग थिंग इन इंग्लैंड क्रिकेट है ये तो मानना पड़ेगा आपको। फिर व्हाट इज ही कैपेबल, ये क्या कर सकते हैं अपने फ्रेंचाइज के लिए, भाई टॉप ऑफ द ऑर्डर आएंगे, क्विक रन मारेंगे, SRH को जरूरत है इनकी, लग रहा है उनको या तो टॉप पे खिलाया जाएगा या 3-4 के बीच में डाला जाएगा मैक्सिमम, तो खेलेंगे तो ये दिल खोल के यहां पर इस पर्टिकुलर आईपीएल में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसके बाद क्या ये 14 मैच खेलेंगे, आंसर नो है इसका, नहीं खेलेंगे, 7 मिनिमम गेम, 10 मैक्सिमम गेम, जहां तक हमें लग रहा है, हमारी डेटा की रिसर्च यही कहती है, क्योंकि इनकी कमिटमेंट्स हैं इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए, तो ये इतने ही मैच खेल पाएंगे, जानना जरूरी है आपके लिए, मगर तब भी हम इन्हें खरीद रहे हैं क्योंकि इज ही अ लॉन्ग टर्म परचेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा चौथा वाला यहां पर। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि लॉन्ग टर्म प्लेयर है, 100 बॉल में दिखेंगे आपको और बहुत सारी ये T20 लीग में आपको दिखने वाले हैं, और इंग्लैंड के लिए तो ये तारे सितारे हैं उनके, ठीक है, खेलना ही खेलना है इन्होंने वहां पर, मगर क्या खेलते हैं ये अराउंड द वर्ल्ड आईपीएल के अलावा, ये भी जरूरी है अब जानना। नेक्स्ट, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं मगर 100 बॉल में ये डेफिनेटली साइन हो गए हैं, वहां आपको खेलते हुए दिखेंगे, और अक्रॉस द वर्ल्ड ऑब्वियसली मैटर ऑफ टाइम ये खरीद लिए जाएंगे यार, फिक्र मत करिए। तो चलते हैं हमारे तीसरे प्लेयर के ऊपर जो है मिचेल मार्श फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, व्हाट अ पिक, खरीद लो इसको अभी, बता रहा हूं मैं आपको, देखिए बताता हूं क्यों, व्हाई इज इट द राइट कार्ड टू पिक, मैन ऑफ द सीरीज अभी बने इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, क्या विस्फोटक बैटिंग करी, ओवर नहीं डाला एक भी, बॉलिंग नहीं करी, उसके बाद भी मैन ऑफ द सीरीज बने, अगर डीसी ने बॉलिंग करवा दी ओहो मजा आ जाएगा। चलिए, क्या कैपेबिलिटी है इनकी, मेरे ख्याल से अभी अभी के लिए, क्योंकि वॉर्नर ओपन करेंगे वहां पर शायद पृथ्वी शॉ के साथ, तो इनको 3 या 4 पे देखेंगे आप, मगर अगर शॉ फेल हो गया या वॉर्नर फेल हो गया बॉस, तो आप इनको देख सकते हैं ओपनिंग स्लॉट में भी, शायद अगर इनकी फिटनेस ठीक हो गई थोड़ी सी और बॉलिंग भी डाल देंगे 1-2 ओवर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। उसके साथ में क्या ये 14 मैच खेलेंगे, 100% 14 मैच खेलेंगे, चाहे ये फेल भी हो जाए ये तो खेलेंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पिक है। फिर आते हैं इज ये लॉन्ग टर्म, क्या ये दूरंदेशी में मैं खरीद रहा हूं, तो बिल्कुल खरीद रहा हूं, T20 लीग खेलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया के लिए साले गेम खेलते हैं ये, अब तो बल्लेबाजी टॉप ऑफ द ऑर्डर पे करते हैं, तो पूरा वाइट बॉल इनके अब मुताबिक चलता है यहां पर, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 5वां क्वेश्चन,
अहेड ऑफ आईपीएल आपको ये कहां दिखेंगे, इनका कार्ड कहां आप यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बीबीएल डेफिनेटली कंफर्म्ड है, मगर बातें हो रही है IL T20 में दिखने वाले हैं और ये आपको काफी और लीग्स में भी दिखेंगे लाइक CPL। तो अगर वो हो गया सोने पे सुहागा, ये कार्ड आपको बहुत सॉलिड वैल्यू देके जाएगा, ये प्लेयर तो लॉक करके बैठ जाओ आप। फिर आते हैं प्लेयर नंबर 4, मोइन अली फ्रॉम इंग्लैंड, जो खेलने वाले हैं CSK के लिए। देखिए अब CSK के लिए why am I picking him? मैं क्यों कह रहा हूं कि राइट कार्ड है पिक करने के लिए। मोइन अली वर्सेटाइल क्रिकेटर है, आपको पूरे 4 ओवर बोल्डर डाल के देंगे, साथ में बल्लेबाजी डेफिनेटली। CSK ने ही उनको ओपनर बनाया था, मगर इस साल तो वहां पर बेन स्टोक्स भी आ गए, शायद ओपनिंग ना करें, नंबर 5 पे दिखे, मगर फिनिशिंग रोल निभाएंगे। ऐसे बल्लेबाज प्रूव कर चुके हैं इनकी अहमियत हर टीम में, इंक्लूडिंग इंग्लैंड। तो उसके बाद बात करते हैं कैपेबिलिटी क्या है इनके लिए। कैपेबिलिटी ये है कि मिडिल ऑर्डर संभालेंगे और क्रूशियल ओवर बोल करेंगे। और क्या वो 14 मैच खेलेंगे? यस 100% ये खेलेंगे, बिकॉज ऑलराउंडर है, कहीं भी स्लॉट होते हैं विद द बैट, कहीं भी स्लॉट होते हैं विद द बॉल, पावर प्ले में भी बॉल डाल देते हैं, डेथ में भी डाल देते हैं, मिडिल ओवर्स में भी डाल देते हैं, तो खेलेंगे। क्या ये लॉन्ग टर्म परचेज है कि नहीं है? देखिए 35 साल के हो गए मोइन अली, यहां पर ये याद रखना जरूरी है। अभी के लिए तो वो ग्लोबली लीग्स खेल रहे हैं इधर उधर, इंग्लैंड में भी T20 खेलते रहते हैं लीग्स वगैरह, मगर व्हाट विल ही प्ले आफ्टर दी आईपीएल? आफ्टर दी आईपीएल 100 में दिखेंगे, मगर एज ऑफ नाउ CPL और BBL और बाकी IL T20 वगैरह में आपको अभी शायद ना दिखें अगले साल ये। तो आपने क्या करना है इनके साथ? आपने बेचना है इनको, आपने कार्ड खरीदना है। जैसे ये पीक पे आ जाएंगे 6-7 मैच के बाद, कार्ड बेचिए, प्रॉफिट कमाइए, निकलिए अगले प्लेयर में, समझ रहे हैं? लाइक का बटन दबाइए, ये सुझाव आपको मैं दे रहा हूं क्योंकि भाई खेला खिलाया हुआ बंदा हूं मैं यहां पर, चाहे स्ट्राइकर पे है, रेडियो पे, किसी भी ऐप पे है, वहां पर ही आपने कार्य करना है। चलिए अगले पिक हमारे यहां पर बनते हैं पिक नंबर 5, जॉश लिटिल फ्रॉम आयरलैंड, जो खेलेंगे यहां पर GT के लिए, गुजरात के लिए खेलने वाले हैं, मगर याद रखिए लिटिल नाम है, लार्ज पॉसिबिलिटीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इनको पिक करा, ये राइट कार्ड आपके लिए क्यों होंगे? लेफ्ट आर्मर है, आपको दिखेगा यहां बॉल डालेंगे, स्विंग बॉलिंग में ये माहिर है, ग्लोबल T20 लीग में खेले जा रहे हैं इस समय और बहुत इफेक्टिव है। पूरी दुनिया अभी जॉश लिटिल के पीछे पड़ी हुई है, आयरलैंड के लिए मैजिक क्रिएट करा है उन्होंने लेटली। ये कार्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए खरीदना, लोग इस रुख पे नहीं देखेंगे, आप अगर देखेंगे, रिस्क लेंगे, शायद आपकी उन्नति डबल ट्रिपल हो सकती है इस कार्ड की वजह से। अगला पॉइंट देखिए इनका, क्या ये कर क्या सकते हैं अपने फ्रेंचाइज के लिए, इंपॉर्टेंट है यहां पर। एज अ लेफ्ट आर्म बोलर स्विंग बोलिंग पे ये फोकस करते हैं, वेरिएशन है इनके पास, अगर रिदम इनकी राइट होती है मैच विनर बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये 14 गेम खेलेंगे? पूरे 14 खेलने वाले हैं, ये गारंटी है अगर ये चल गए शुरू में। अगर नहीं चले शुरू में, 5-7 गेम मिनिमम आपको देखे जाएंगे। ये तो पक्की बात है, इनको खरीदा गया है कि 5-7 गेम इनको देनी है, खरीद के रख लीजिए इनका कार्ड जब सस्ते में है, जब उनको पता भी नहीं कि GT शायद इनको खिलाए, शायद पहले 1-2 गेम में ना भी खिलाए, मगर जब खिलाएंगे ये कार्ड आपके पास होगा। तो लाइक का बटन दबाइए अगर ये आपको सुझाव अच्छा लगा यहाँ पर, और साथ में लॉन्ग टर्म परचेज है, बिल्कुल है यार, आयरलैंड के लिए पूरा इन्होंने अब खेलना ही खेलना है, ग्लोबल T20 लीग भी खेलनी है। तो अगला 5वां पॉइंट इसमें क्या है, कहां खेलेंगे भाई IPL के अलावा, कहां खेलेंगे? खेलेंगे IL T20 में, जो दुबई, अबू धाबी और शारजा में होता है, वहां दिखे थे खेलते हुए, साथ में PSL में दिखे खेलते हुए, वहां भी खेल रहे हैं, 100 बॉल में भी पिक हो गए क्योंकि आयरलैंड में है भाई, इंग्लैंड आ जाएंगे ये खेलने और अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए भी दिखेंगे, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है ये इस समय। चलिए प्लेयर नंबर 6, कुलदीप यादव फ्रॉम इंडिया, मगर खेल रहे हैं वो कहां? दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग पिक दे रहा हूं मैं आपको, ये क्यों है ये राइट कार्ड टू पिक? मैच कहां होने वाला है सोचिए, फिरोशा कोटला, 7 गेम में जहां स्पिन ट्रैक है, ये अपना अगर मैजिकल स्पिन डाल गए, बहुत विकेट उखाड़ने वाले हैं इस साल, मिडल ओवर में बॉल डालेंगे, बहुत 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 विकेट ले सकते हैं, वो सही टाइम हो सकता है आपके लिए बेचने के लिए, उसकी भी अभी बात करते हैं यहां पर। क्या कैपेबिलिटी है इनकी यहां पर, क्योंकि ये पिच इनको करेगा असिस्ट, डोंट बी सरप्राइज ये दिल्ली की ओर से हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाए, बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट जोकिंग, इन पे काफी दारोमदार है अलोंग विद अक्षर की बॉल इन्होंने डालनी है यहां पर, ठीक है? अगर ये 14 गेम खेलेंगे कि नहीं, अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है बात, तो उस बात को ना आने दीजिए, क्योंकि 7 बार दिल्ली में तो ये खेलेंगे और 7 बार बाहर भी खेलेंगे, बिकॉज विकेट ले चुके होंगे, मुझे लग रहा है 14 बार कुलदीप यादव खेलने वाले हैं फॉर दिल्ली कैपिटल्स। लॉन्ग टर्म परचेज है कि नहीं, अब इसमें मैं हूं थोड़ा सा कंफ्यूज, मैं बोलूंगा बेच दो जब आप बेच सकते हो इसको, जब ये अपने शिखर पर है, क्योंकि यस ODI वर्ल्ड कप में ये दिख सकते हैं, T20 टीम में शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं,
तो ये थोड़े से डाइसी पिक बन जाते हैं, टेस्ट टीम में ये नहीं है अभी यहाँ पर। तो आईपीएल के अलावा कुछ खेल रहे हैं ये, ओडीआई क्रिकेट में आपको दिख सकते हैं खेलते हुए, वर्ल्ड कप आ रहा है अराउंड द कॉर्नर, तो शायद ये कार्ड आप गैम्बल लेके अपने पास भी रखना चाहे लॉन्ग टर्म, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। मैं बोलूंगा सही टाइम आया, बहुत विकेट लिए, अगर बेचो निकलो इस कार्ड के साथ। प्लेयर नंबर 7, बहुत इंटरेस्टिंग पिक है ये, मयंक अग्रवाल जो अब SRH चले गए हैं, ठीक है, हैदराबादी बन गए हैं ये, वाई इज द राइट कार्ड। देखिए यार मत भूलिए, अभी टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे, थोड़ा इनके क्या बुरे दिन आए, लोग इनके बारे में भूल गए, वैल्यू फॉर मनी पिक बनेंगे क्योंकि लोग ही भूल गए इनके बारे में, तो ऑब्वियसली वहां पर आप अगर इन पे इन्वेस्ट करते हैं राइट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो सोचिए क्या कर सकते हैं ये, क्या कैपेबिलिटी है इनकी, व्हाट इज ही कैपेबल ऑफ फॉर हैदराबाद, धमाकेदार स्टार्ट, धमाका कर सकते हैं, 100 रन मारने की इनकी कैपेबिलिटी, आपने देखा होगा शारजा में जब यूएई में हुआ था आईपीएल, क्या रन मार के गए थे ये, रेगुलर रन मार रहे थे, ये कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ऑपोजिशन से गेम अकेले छीन के निकल सकते हैं, 14 मैच खेलेंगे, पक्की बात है ये 14 मैच खेलेंगे, ये गारंटी है। उसके साथ में क्या ये लॉन्ग टर्म परचेज है, बिल्कुल है बॉस, 100% सिर्फ आईपीएल नहीं खेलने वाले, ये खेलेंगे और भी बहुत चीजें, फिकर मत करिए, ये पक्का वापसी करने वाले हैं इनटू द इंडियन टीम सम टाइम और द अदर। मगर मैं यहां पर वार्निंग देना चाहूंगा आपको कि जब अगर इन्होंने शुरू में मार दिए 50 या 100 रन, आपको अगर रिस्की नहीं लेनी, बेट सेफ रहना है, इनको भी कुलदीप यादव की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, निकलो उधर से, कोई और प्लेयर मैं जो अगला बताऊंगा वो खरीद लेना वहां पर, क्योंकि इनका पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बिसाइड्स दी आईपीएल, क्योंकि किसी इंडियन को अलाउड नहीं बीबीएल सीपीएल वगैरह खेलना, ये कहीं और नहीं दिख रहे, ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूं जब बेच सकते हो बेच के फोर हो जाना वहां से। चलिए अगले प्लेयर के पास चलते हैं जो है प्लेयर नंबर 8, ये प्लेयर जो है वो है यशस्वी जायसवाल, यंग ब्लड, और मैं बताता हूं क्यों है ये राइट पिक एट द राइट टाइम आपके लिए, 200 रन मारा और फिर 100 रन मारा एक ही मैच में ईरानी ट्रॉफी में, बहुत बड़ी चीज होती है ये, जो लोग नहीं जानते ईरानी ट्रॉफी का मीनिंग जाके गूगल करके समझ लो, वहां पर इतने रन मारना एक ही गेम में, बंदा हॉट फॉर्म में रेड हॉट रिजल्ट्स देगा आपको इस समय, लोगों को नहीं पता है, सस्ते में खरीदो ये कार्ड और रखो अभी के लिए, ये आईपीएल में आपको कमा के देगा यहां पर, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं। अब सुनिए यशस्वी जायसवाल क्यों ओपन करेंगे बैटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बटलर के साथ ओपनिंग में दिखने वाले हैं और ये खेलेंगे लंबी पारियां और तेज पारियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पॉइंट्स आपको देके जाएंगे जब आप फैंटेसी की भी टीम बनाएंगे, और वो ही उसी की वजह से ही तो इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो आप ट्रेड करके निकल सकते हैं यहां पर। 14 मैच खेलेगा क्या, ऑब्वियसली बॉस ये सारे 14 मैच खेलने वाला है, अब ड्रॉप नहीं होगा, नौसिखिया नहीं है अब, ये सब जानते हैं इसके टैलेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म परचेज, इस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। देखिए अभी तो आपको यशस्वी जायसवाल यही दिख रहे हैं और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में दिख रहे हैं, क्या ये भारत के लिए खेलेंगे वेरी सून, मे बी इस साल नहीं खेलेंगे, इसलिए कह रहा हूं बेच के निकल जाइए यहां पर, जो इसकी वजह से मेरा अगला क्वेश्चन भी, आईपीएल के अलावा कहीं देखेंगे ना भाई, कहीं नहीं देखने वाले आपको ये, तो इंडिया के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है, कतार बहुत बड़ी है इंडिया के घुसने के लिए टीम में, तो इनको वेट करना पड़ेगा, आप मत वेट करिए, आप बेच के निकलिए यहां से। प्लेयर नंबर 9, रवि बिश्नोई, ये यार मेरे को यार ये चीता आदमी है यार, ये खेलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, मैं इसको क्यों पिक कर रहा हूं यहां पर, अभी सस्ते में मिलेगा, लोगों के इसका अभी फॉलो नहीं कर रहे लोग, ठीक है पिछले आईपीएल देखा आप देखेंगे फिर से, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि यार ये राइट कार्ड क्यों पिक करने के लिए, सबसे पहले तो याद रखिए लखनऊ में जो मैच होंगे उसमें रवि बिश्नोई का एडवांटेज है गारंटीड। बाय द वे आपको बताना चाहूंगा 5 गेम शायद लखनऊ में है, बाकी 2 गेम शायद गुवाहाटी में है, अब गुवाहाटी की पिच इसको इतना सूट नहीं करेगी, तो जब ये लखनऊ में खेले और चल जाए बॉस, उसी समय कार्ड बेचने का भी सोचना, आपने आपको भी बताता हूं क्यों मैं, मगर एज ए लेग स्पिनर अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकता है आपको लखनऊ के ट्रैक पे, बहुत बड़ा फ्यूचर बन सकता है ये। कैपेबिलिटी की अगर बात करें 12 विकेट ली थी पिछले सीजन में इन्होंने, बहुत इंप्रेस करा था, अच्छी बॉल डाली, रिटर्न्स कमाए, विकेटें कमाई है, ट्रबल ये किसी भी बल्लेबाज को कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी कैपेबिलिटी इनके पास, अंडर 19 से निकले थे और सॉलिड प्लेयर है। लॉन्ग टर्म परचेज यार इस पे बड़ा कंफ्यूजन है, क्या ये अभी इंडिया खेलेगा वेरी सून, खेलेगा तो जरूर, वेरी सून खेलेगा कि नहीं पता नहीं, तो हमें बेटर है कि हमें अगर ये भी पता है यहां पर कि लॉन्ग टर्म परचेज नहीं है, जो अगला क्वेश्चन है मेरा, या ये आईपीएल के अलावा क्या खेलता है, हाँ तो अभी आईपीएल के अलावा ये कुछ नहीं खेलता, ना ये भारत के लिए खेलता है, ना ये कहीं और लीग खेलेगा, तो बेटर ये होगा जैसे ही आप हाथ डाले रवि बिश्नोई पे और ये कमाई करके दे आपको, इसको भी बेच के आपने
वहीं के वहीं निकलना है, चाहे रेरी हो या स्ट्राइकर, आप वहां से निकलिए और एक मोस्ट सॉलिड पिक पकड़िए जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलता है और लीग्स भी खेलता है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। चलिए आखिरी प्लेयर आज का, प्लेयर नंबर 10 बिफोर द आईपीएल स्टार्ट्स, वो है हाइनरिक क्लासन ऑफ साउथ अफ्रीका, खेलने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ये क्यू कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिए। साउथ अफ्रीका टी20 हुआ, ओडीआई हुए लेटली जिसमें साउथ अफ्रीका खेला, आपको अंदाजा भी है कि ये क्या कर रहा है। 100 रन मार रहा है भाई 40-50 बॉलों के अंदर हर जगह, डजंट मैटर व्हाट फॉर्मेट, एज लॉन्ग एज आप वाइड बॉल के साथ खेल रहे हो ये फोड़ देता है। तो इस बंदे को अभी ले लीजिए, मेरी ये आपको राय रहेगी। क्या करना है इसके साथ अभी बताता हूं मैं आपको। कैपेबिलिटी की बात सुनिए सबसे पहले, मैंने आपको बताया 100 वो मार रहा है मगर कीपिंग के साथ भी पॉइंट्स देगा, ये मत भूलिए आपको। तो आप ये डबल पॉइंट्स कमाएंगे जब आप इस कार्ड को जो आप खरीदेंगे फैंटेसी में भी यूज करेंगे, तो वहां पर भी कमाई होगी, तो आपका डबल कमाई हो रही है। यहां पर 14 मैच खेलेगा, मुझे लगता है हां और ना है इसका आंसर, क्योंकि एसआरएच ने ग्लेन फिलिप्स को भी खरीदा है फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब ग्लेन फिलिप्स को शायद वो एज ए कीपर खिलाएं अगर क्लासन फेल कर गए 2-3 गेम, ये मुझे लग रहा है। स्टार्टिंग 11 में पहले तो क्लासन आएंगे, फेल करे तो फिलिप्स आएंगे, नहीं आए तो पूरे 14 गेम खेल जाएंगे, ये भी पक्की बात है। जैसे जॉनी बेस्टो ने करा था एसआरएच के लिए एक टाइम पे, अगर आपको याद हो जब ओपन करते थे बेस्टो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्लासन वो रोल निभा सकते हैं, इसीलिए मैं उनपे इतना एक्साइटेड हूं यहां पर। और इज ये लॉन्ग टर्म परचेज? यस ही इज यार, अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म परचेज है साउथ अफ्रीका के लिए। आप अगर देखते हैं टी20 खेलता है साउथ अफ्रीका के लिए, ओडीआई खेलता है, लीग्स खेलता है ग्लोबली, क्या क्या खेलता है आउटसाइड दी आईपीएल, सिंपल है यार, खेलता है 100 बॉल क्रिकेट। आप वहां देखते हैं ऐसे टी20 में देखा हमने साउथ अफ्रीका में जहां पर वो दिखते हैं वहां पर, और बिग टैलेंट है ये, तो आपको राउंड द ईयर दिखेगा। मे बी अ कार्ड जो आप शायद रखना चाहें क्योंकि ये स्टैचर में ग्रोथ कर रहा है इस समय। होपफुली आपको मेरा वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने आपको 10 टॉप पिक्स बताए हैं, खरीदिए, मुझे भी फीडबैक दीजिए। देखते हैं आईपीएल अभी शुरुआत होने वाली है, यही टाइम है खरीदने का, स्ट्राइकर रेडियो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पर आपका मन है खरीदने का, प्लेयर कार्ड खरीदिए, बहुत उन्नति कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू देन।